नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बर्बरता के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार ने अकेले इस समस्या से निपटने के लिए एक नई संस्था की शुरुआत की घोषणा की है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की घोषणा की है। इसके तहत एक नई यूनिट सेटअप की जाएगी जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अपना फोकस रखेगी। एडीजी रैंक के पुलिस ऑफिसर को इस यूनिट का प्रमुख बनाया जाएगा। बता दें कि इस महीने यूपी में कम से कम 3 जगहों पर नाबालिग बच्चों के खिलाफ रेप और बर्बरता के मामले सामने आए हैं, जिन पर खूब हंगामा हुआ है। सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन और अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल विकास सुरक्षा नए पद के निर्माण को स्वीकृत की जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।